दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रेंटोप सिरप के बारे में। अरिस्टो इसकी बनाने वाली कंपनी है जो कि इंडिया का बहुत ही फेमस ब्रांड है और बताएंगे इसके बारे में सब कुछ। तो दोस्तों बने रहे हमारे इसी वीडियो के साथ में। आशा करता हूँ आपने हमारा यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया दोस्तों तो अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन चैनल पर रेंटोप सिरप ये मेरे हाथ में है और कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर रेनेडाइन ईच फाइमल कंटेंट 75 mg इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। और अगर मैं इसके यूजेस के बारे में बात करता हूँ किन किन बीमारी में इस्तेमाल किया जाने वाली दवाई है तो ये बच्चों में इस्तेमाल की जाने वाली सिरप है। और इसका जो सॉल्ट है ना सॉल्ट नेम है वो बड़ों में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाई है एसिलोग और जिंटेक के नाम से जो मार्केट में मिलती है बहुत ज़्यादा बिकने वाली दवाई है। और अक्सर लोग गैस तेजाब खट्टी टकार बदहजमी जैसी बीमारियों में और रेंटिडाइन जो सॉल्ट है उसकी जो दवाइयाँ आती हैं एसिलोग और जिंटेक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। बात करता हूँ किन बीमारी में काम में आती तो पेप्टिक अल्सर हो जाता है, आंतों में घाव का हो जाना, गैस की प्रॉब्लम या तेजाब की दिक्कत, उल्टी, आंतों की सूजन या पूरे पेट में सूजन। जैसे कि मैंने बताया तो अगर बच्चों में उल्टी की प्रॉब्लम है तो उसमें दी जाती है तो इस तरह की बीमारियों में काम में लाई जाने वाली दवाई है अरिस्टो। इसकी जैसे कि मैंने बताया बनाने वाली कंपनी है बहुत फेमस ब्रांड है। और दोस्तों ये मैंगो फ्लेवर में आता है यानी बच्चे इसे आसानी से पी लेते हैं। साइड इफ़ेक्ट के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो वैसे इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है लेकिन कभी कभार कुछ लोगों में खुजली या एलर्जी या लाल चकत्ते जैसी शिकायत इसमें हो सकती है या जिन मरीजों को रेनेडाइन सॉल्ट से एलर्जी है तो वो इसका इस्तेमाल ना करें। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये लाल रंग की पट्टी है इसके ऊपर तो आप इसे अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेकर ही इस्तेमाल करें। डोज के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बड़े में 10-10 ml दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। और अगर मैं बात करता हूँ बच्चों में तो 5 से 7 साल 8 साल तक के बच्चों में 5 से 10 साल के बीच के बच्चों में 5 ml तक इस्तेमाल किया जा सकता है दिन में 2 बार। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में। और उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।